जुलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 22 अगस्त बरोज बुध को होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद नजर आने का ऐलान किया। लाहौर में जोनल रुयत हलाल कमेटी पंजाब का इजलास मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी की जेर सदारत महकमा औकाफ की इमारत में हुआ। पीटीआई और काफ लीग का पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं की मुलाकात, अगली लाइन ऑफ एक्शन पर गौर। वजीर आला पंजाब का नाम इमरान खान के पास है। शरीफ बरादरान ने इदारे कमजोर, 56 कंपनीज बनाकर मनपसंद अफसरान भर्ती किए। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ के नापायदार मनसूबों ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। परवेज इलाही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में तहरीक इंसाफ नंबर गेम की दौड़ में सबसे आगे। पीटीआई और इत्तेहादियों का स्कोर 189 पर पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 171 नंबर। पंजाब के 3 हलकों में इलेक्शन मुलतवी, 3 के नतायज रोके गए। और पंजाब असेंबली के 17वें नौ मुंतखब अराकीन के इजलास का शेड्यूल तैयार। 15 अगस्त को स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल नौ मुंतखब अराकीन असेंबली से हल्फ लेंगे। 16 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जबकि 19 अगस्त को कायदे ऐवान का इंतखाब होगा।